hecho a mi Nancy. Thank you.
शराब के ठेकेदारों के ये पार्टनर लोग जो हाईवे और रेलवे के काम लगे हैं उसमें ये पार्टनर लोग हेलो गरीबों का कभी नहीं होगा। इनको बताना चाहता हूँ उस मन से तब गैस सिलेंडर 410 रुपए का था और इन्होंने खुद कहा था कि हम 250 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। जब पेट्रोल डीजल की करने की बातें कर रहे थे और अच्छे दिनों के वादे करने वाले हमारे जो स्टार कंपेयर प्रचारक आए हैं सचिन पायलट जी, उनको मैं ज्यादा टाइम देना चाहता हूं, लेकिन जो मैंने बातें कही है उनको याद रखेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मानी साहब, एसीसी के प्रभारी मनोज यादव जी, मनोहर लाल जी, हमारे कांग्रेस डोगा साहब भगत जी, श्रीमती लाल सिंह जी का भाषण आपने सुना। इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में लोकसभा के पहले चरण में फर्स्ट फेज का जो चुनाव है 19 तारीख उसमें लाल सिंह जी के समर्थन में आपसे वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने, समर्थन मांगने के लिए आया हूं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में यहां पर आए हो। ये
कठुआ के यहाँ के लोगों का प्यार है। अभी मंच में मुझे बोल रहे थे, मेरा आने का कार्यक्रम था आज का, कल प्रियंका गांधी जी राजस्थान में थी दौसा में, वहां से मैं जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली आया, दिल्ली से जम्मू गया, जम्मू से आपके बीच में आया और बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन आपसे आकर मिलने का मेरा मन था और मैं अपने वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि आपके बीच में आकर आया हूँ। और मैंने पूछा भाभी से, मैंने कभी लाल सिंह भी कहा है, कहते सचिन जी उनको चलने का बहुत शौक है, वो पैदल चलते जा रहे हैं। तो जब लाल सिंह यहाँ पर आए तो मैंने कहा भाभी आप तो झूठ बोल रही थी, आपने कहा वो पैदल चल रहे हैं, वो तो कंधों में बैठ के आ रहे हैं यहाँ पर। तो लाल सिंह जी का एक अलग अंदाज है, लोकसभा में जब यहाँ से सांसद थे, मैं भी उस समय सांसद था, हम लोगों ने समय बहुत बताया लोकसभा के अंदर, और लाल सिंह जी का स्टाइल कुछ अलग ही है, मान लो आप लोग इतना अलग है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे स्पीकर थे, जब वो लाल सिंह जी का नाम बुलाते थे तो बहुत डरते थे, लाल सिंह ने बोलना शुरू किया वो कहां जाके खत्म करेगा। और ये खासियत लाल सिंह जी की इसलिए थी साथियों, उनकी आवाज में जो बुलंदी है, जिस ताकत से वो बात रखते हैं दिल्ली में, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। ये लोकसभा का चुनाव है, ये बीडीसी का ब्लॉक जिले का चुनाव नहीं है, ये पूरे मुल्क का चुनाव है, पूरी दुनिया देख रही है, कठुआ के लोग, उधमपुर के लोग, चनाब के लोग, डोडा के लोग, आप सब लोग किसका बटन दबाते हो, ये मुल्क की तकदीर तय करने का चुनाव है। अखबार में, टेलीविजन में, व्हाट्सएप पे वो असलियत नहीं बयां कर रहा, असलियत यह है कि 10 साल की इस भाजपा सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं, जनता बोल रही है 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आपने 10 साल में पूरी बहुमत वाली सरकार चलाई और अंत में जो हाल देश के बना दिए वो छिपे नहीं हुए। आज महिला है, गरीब इंसान है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छोटे दुकानदार वाला, वो सब पूछ रहे हैं ये सरकार काम किसके लिए कर रही है, हम $5 trillion की इकॉनमी बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, हमारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल, पोर्ट सारे निजी हाथों में देते जा रहे हैं। मुझे खुशी है साथियों कि हमारी पार्टी ने गारंटी दी है, ये हमारी पार्टी की 5 गारंटी है, हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अपना वचन दिया है। और मैं आपको वादा करके जाता हूँ, देश में जो गरीब परिवार है उस परिवार की जो महिला है उसके खाते में साल का 1 लाख रुपए हमारी सरकार भरने के बाद हम देंगे। और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूँ, आपने जो रियासत का हाल किया है, आपने राज को यूटी बनाया है, और मैं 2 दिन पहले देखा प्रधानमंत्री ने बोला हम राज का दर्जा वापस देंगे, आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अधिकार है, संविधान देश का है, और आप औरों के किए हुए पर अपनी पीठ थपथपाते हो। साथियों मैं मन से बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सितंबर से पहले होंगे, और ये सरकार नहीं करा रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आपको कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इलीगल है, कोर्ट के आदेश से यह काम होता है और आप फोटो खिंचवाते हो। लाल सिंह चौधरी तो जीतेगा जीतेगा, मैं तो चाहता हूं कि हम जम्मू भी जीते, हम तीनों सीट वैली की भी जीते और पूरे उत्तर भारत में, और बीजेपी के तमाम नेता आज यहां पे आके चुनाव के वोट मांग रहे हैं, 10 साल से सरकार आपके पास थी, और हम चाहते हैं साथियों एक नई आवाज बुलंदी से पैदा करें,
हिंदू मुसलमान मजहब ताकत देने का काम हम लोगों ने किया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, 19 तारीख को वोट पड़ेगा, बड़े बड़े लोग चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने उस जाबाज नेता को आपको दोबारा दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? आवाज नहीं आई भाई, दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? मेरे बाद राजनीता की आन बान शान दिल्ली में जाकर बने, मैं आपका वादे लेने आपसे आया हूँ। और आप सब लोग, आप सब लोगों का प्यार जो मुझे मेरे परिवार को दिया है आप लोगों ने दशकों से, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप लोगों ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है वो मेरे जहन में हमेशा रहेगा। मेरे बाद आज सिंह जी बोलेंगे, जैसा मैंने कहा, मैं भी जिद्दी आदमी हूँ, मैं भी ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मैं 2-3 नारे दूंगा और तब मुझे यहाँ से लेकर चेन्नई तक आवाज जाना चाहिए। जो लोग उधमपुर में बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि कठुआ में कभी कभी हमारा गड्ढा रह जाता है, लेकिन इस बार सूद समेत भरपाई होगी, पेटी कर दो फुल और लाल सिंह जी जाके भेजो दिल्ली में। और मैं बोलूंगा, समय देगा, मैं कहूंगा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। सचिन जी हमारे इंचार्ज, मनोज जी आपकी हमारे श्रीमती रुद्र जी और स्टेज पर बैठे सारे मेरे साथियों और जिन्हें तुम सहाय हो, सारे मेरे भैन भराओ बुजुर्गो नौजवान, तुसें ही मैं गल करना चाहना, मेरी तुसें कभी भी मैं किन्नी मुसीबत है और किस मुसीबत च जरा बंदा खड़ा होता कहने ओदा कोई मुकाबला नहीं अगर तुम्हारे साथ बंदा रहेगा। हमेशा हमेशा मेरे हर हाल च तुस मेरे कन्ने खड़े रहो, सरकार दुनिया मेरे खिलाफ किन्ने लोग हुए लेकिन तुस मेरे कन्ने पहाड़ा लिखा खड़ोते हो, मैं थोड़ा बहुत दिल की गहराई का शुक्रिया करना, बहुत बहुत शुक्रिया करना। इस लोकसभा ने सिटिंग एमपी का कोई बंदा एक दरखास्त दसी दिया है जिसे पर इन्हें साइन किए ला एक है ऐ कोई साइन किए उस बंदे ने? नहीं, कोई नहीं। कोई भी बंदे की मिलिया नहीं, कोई गिरा गया नहीं, और कोई भी गल तोड़ी अपने शेयर की थी ते इन्हें शेरा टेबल बजाया 307 तोड़ी करना है जमीन खोई लो। मैं आपको बताना चाहता हूं जब हम मजाटी में गुजर गरीबों का बहुत नुकसान हुआ जान के क्या, और कोई इनका कोई जमीन 1 इंच नहीं बची थी जो जमीन सरकार ने छीन ली थी, एक कंगाल कर दिए, एक फुटबॉल कौम है वो भी छीन लिए थे। आज तक हम 14 भी थे, बकरवाल कोई खड़ा चल रहा है, बकरवाल थोड़ी उम्र भी नहीं, इनकी उम्र 10 साल हुए उम्र के अंदर जो मेरे भी काम करते ये हाल किया उन्होंने, किसानों की जमीनें छीनी, इनकी जमीनें छीनी और गुरु किया खड़ा था सुना सुना तो मेरा गला तो बच्चे नहीं है, मैं सुन रहा और यहाँ सरकार स्टेट नहीं थी और जब स्टेट में हरियाणा ने बनाई अरे अपनी जमीन से छीनी जाएगी हम कैसे बर्दाश्त करें। जिसे अपनी से कहना चाहता हूं ये हालत है। और दूसरे नंबर हमारे स्टूडेंट की हालत देखो, कल पास किया, कल पास किया, पहली बार ऐसा हुआ 12वीं वाले का 13वीं में दाखिल होना तो उसको इंट्रेंस करना है, नॉन प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसे रूटीन एजुकेशन हमारी हमने नहीं एमपी था 18 लोगों में दे रहा है।
शाम के लिए पुत्र मैं तुझे सारे कहना चाहता बिजली कहां पहुंची पानी हमारा और बिजली कोई गरीब आदमी बचा जिसका 100 रुपया था 500 हुआ 500 वाले का 1000 रुपए का 2000 हुआ बिजली हमारी और कर्जा हम पे डाल दिया किराया हम पे डाल दिया फालतू डाल दिया इसलिए जितनी कंपनियां काम कर रही है जितनी भी थे कोई आदमी सारा नहीं लगाएगा अरे सिंगल आदमी सारा लगा कोई मतलब सिविल इंजीनियर उसी सड़क में लगाया कोई आदमी काम नहीं कर रहा एमएससी बीएड एमए बीएड कैदर से कितनी पूरी है टीचर अभी साल के बच्चे को नौकरी कैसे मिलेंगे पूछना चाहता हूँ वो ओवरेज कंपनी कैसे होंगे यहाँ पीडीसी यहाँ एसपीओ जो कंडीशन बनी थी तबाह कर दिए बच्चे और यहाँ आप देखो इसके बाद जितने इलेक्शन होंगे कोई इलेक्शन पंचायत का होगा वो पंचायत तक सीमित रहेगा काउंसिल कॉर्पोरेशन होगी तो बहुत शहरों तक महदूद होगी और जो एमएलए बनेगा स्टेट से बाहर नहीं और लोकसभा एक बार अभी ही है इसी को ही संभालना होगा तो मेरी जनाब सबसे बेनती है और बड़ी दूर से आए चल के बड़े दूर दूर इलाकों से आए आदमी कभी जिंदगी में कभी मेरे लिए कहता हमने लाल सिंह के उनके लिए सीबीआई में दी है खेलो सीबीआई से मैंने कहा जिन्ना मर्जी हर हाल एवी बैंड मेरा बड़ा साथ दिया इंडिया से तारे मारो और कोई भगवान की कोई चंगारा शरा मारी और सारे लोग इस देश को बनाएंगे इस देश की मुसीबतें ठीक करेंगे और पहले से अपने आगे कर दिया।